Dear students, I welcome you to the BioWin Academy. Today we are going to talk about pollination by birds. It's called as ornithophily. आज हम बात करेंगे birds के जरिए pollination, यानी किस तरह से birds pollinate करते हैं एक plant से pollen grains को दूसरे plant की ओर, दूसरे plant के flower पे transfer करते हैं. This particular process means process of transfer of pollen grains with the agency of birds, with the help of birds, is called as ornithophily. And those plants or their flowers, they use this agency, means जो plants में birds के जरिए pollination होता है उन प्लांट्स को कहा जाता है ornithophilous प्लांट्स. सो द प्लांट्स विच यूज द एजेंसी ऑफ बर्ड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज ornithophilous प्लांट्स. ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन. इसका मतलब यह है कि सारे बर्ड्स पॉलिनेशन नहीं करते. वी नो दैट इन द नेचर, इन द एनवायरमेंट you will find different types of birds, but all birds are not meant for pollination. सारे birds कोई pollination करते नहीं है, कुछ specialized birds रहते हैं, they are specialized for pollination. और उनका main aim pollination करना ही है ऐसा नहीं. They usually have small size and long beaks. मीन्स जो बर्ड्स पॉलिनेशन करते हैं दे आर ऑफ स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक्स. यू नो दैट देयर आर डिफरेंट बर्ड्स लाइक क्रोज आर देयर, बट कंपेयर टू क्रो स्पैरोज आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड सन बर्ड्स आर स्मॉल, हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल. सो डिफरेंट साइजेस ऑफ बर्ड्स आर देयर, बट दोज बर्ड्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर pollination, they are having small size, but they are having long beaks. So examples they have given, that is what sunbirds and hummingbirds. ये दो example दिए हैं sunbirds और hummingbirds के, जो pollination के लिए specialized है. And some ornithophilous plants, यानी जिन plants में pollen grain के जरिए pollen grain को transfer करने के लिए पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए बर्ड्स का यूज किया जाता है या बर्ड्स के थ्रू पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है, उन प्लांट्स को कहा गया है ornithophilous प्लांट्स. एंड दे आर बॉम्बैक्स, कैलिस्टोमॉन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बॉटल ब्रश एंड बूटिया मोनोस्पर्मा. ऐसे तीन टाइप्स के प्लांट्स हैं और भी कई सारे प्लांट्स हैं, बट दे हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स, दैट इज व्हाट बॉम्बैक्स, कैलिस्टोमन, बॉटल ब्रश कहते हैं इसे, और बूटिया. इनमें बर्ड्स के जरिए पॉलिनेशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ornithophily. डियर स्टूडेंट, इन दिस फोटोग्राफ ऑफ ornithophily, दिस बर्ड इज इंसर्टिंग इट्स बीक इनसाइड दिस फ्लावर, इनटू दिस फ्लावर इन ऑर्डर टू सक द नेक्टर. बट दिस फ्लावर means this plant and its flower, it has developed certain adaptations to suit the ornithophily. yani ye jo plant hai, is plant ne uske flower ko is tarah se banaya hai jiske wajah se ornithophily suitably ho jaye, matlab birds ke zariye pollen grains easily transfer ho jaye. matlab ye jo plant hai is plant ko bhi samajhta hai कि बर्ड्स के रिक्वायरमेंट क्या है. अगर इस प्लांट को, इसके पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट के फ्लावर से इसी के स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर अगर ट्रांसफर करना है, मतलब पॉलिनेशन इफेक्टिवली करना है, तो किस तरह से चेंजेस, किस तरह से मॉडिफिकेशन इस प्लांट में और उसके फ्लावर में करना चाहिए, ये प्लांट को पता है. तो इस प्लांट ने अकॉर्डिंग टू द बर्ड इसके फ्लावर में चेंजेस किए हुए हैं, और जो चेंजेस, जो मॉडिफिकेशंस इस प्लांट ने किए हैं,
सूटेबल पॉलिनेशन होने के लिए, कन्वीनियंटली पॉलिनेशन होने के लिए या बर्ड्स के भी कन्वीनियंस के लिए, उसे कहा गया है एडाप्टेशंस फॉर ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। सो इन एडाप्टेशंस को अब हम वन बाय वन देखेंगे। इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये जो बर्ड है, इस बर्ड की बीक लॉन्ग है। बर्ड का साइज तो छोटा है बट इसकी बीक लॉन्ग है, सो दैट ये अपनी बीक को इस पर्टिकुलर फ्लावर के कोरोला में अंदर डीप बॉटम में उसे इंसर्ट कर सकता है, जिसके जरिए वहां से वो पोलन, वहां से वो नेक्टर को सक कर सके। लेकिन ये करते समय या करते करते व्हाट विल हैपन, वहां से उस वो नेक्टर को जब वो सक करेगा, उस समय उसके बीक को पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाएगी। बीक को भी अटैच हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो फ्लावर है वो फ्लावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसके अंदर ये बर्ड काफी हद तक अंदर जा सकता है। इट कैन गो इनसाइड दैट पर्टिकुलर फ्लावर, सो दैट फ्लावर इज स्ट्रांग इनफ टू बियर द वेट ऑफ द बर्ड। एंड दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस, दिस काइंड्स ऑफ एडाप्टेशंस वी कैन सी इन द ऑर्निथोफिलस फ्लावर। सो इन केस ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर, द फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, लार्ज एंड शोई। मतलब जो फ्लावर है वो ब्राइटली कलर्ड है, लार्ज है, बड़े रहते हैं, शोई रहते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं, जिसके वजह से जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स उन फ्लावर्स की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ब्राइटली कलर्ड है, ब्राइट कलर के वजह से और लार्ज होने के वजह से ये फ्लावर, ये जो बर्ड्स है उन फ्लावर्स की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब हम कई बार हम हमारे केस में भी देखते हैं, जब हम कहीं से अगर जा रहे हैं, कहीं गार्डन है आजू बाजू या फिर आजू बाजू कहीं फ्लावर पॉट्स है, अर्दन पॉट्स है जिसमें फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, और अगर हमें कहीं पर ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स दिखते हैं, कहीं रोज का फ्लावर दिख रहा है, कहीं मैरीगोल्ड का दिख रहा है, तो हमारा भी ध्यान उन पर्टिकुलर फ्लावर्स की ओर अट्रैक्ट होता है। मीन्स दोज फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, दे आर कॉन्स्पिक्यूअस, मीन्स दे अट्रैक्ट अवर अटेंशन। एग्जैक्टली ये जो रिलेशनशिप डेवलप हुई है, ये कई करोड़ों साल की रिलेशनशिप है, जिनमें ये जो बर्ड्स है, दीज बर्ड्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, एंड दोज फ्लावर्स आर लार्ज एंड शोई। बट आफ्टर मियर अट्रैक्शन इज नॉट सफिशियंट। सो अगर बर्ड ब्राइट कलर के वजह से अट्रैक्ट हो जाता है, वहां पर चले भी जाता है, लेकिन उसके काम का अगर वहां पर कुछ है नहीं उस फ्लावर में, तो फिर वो निराश हो जाएगा और दोबारा उस फ्लावर की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए वो जब बर्ड उस फ्लावर को विजिट करता है, तो प्लांट ने उस बर्ड के लिए क्या बना के रखा है उस फ्लावर में, नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है शुगरी सॉल्यूशन। सो दीज पर्टिकुलर प्लांट्स दे हैव profusely made the nectar inside the flower, dilute nectar, nectar का मतलब sugary solution. So when these birds will visit the flower, so they will first of all get attracted because of bright color, and after inserting its beak, they will also drink dilute nectar. So they will also get nourishment from this particular flower. देन थर्ड एडाप्टेशन है, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी। ये जो फ्लावर्स है, ये जो प्लांट्स है, इनके जो फ्लावर्स है, इनके जो पोलन ग्रेन्स है, मेन यानी पोलन ग्रेन्स, दे आर स्टिकी एंड स्पाइनी। मतलब ये स्टिकी होते हैं, अडेजिव होते हैं, और इन पोलन ग्रेन्स के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, जिसके वजह से ये बर्ड्स के बीक को या फिर बर्ड्स के बाकी के बॉडी पार्ट्स को, इंक्लूडिंग देयर फीडर्स, दे विल गेट अटैच्ड। एंड देन व्हेन दीज बर्ड्स विल विजिट टू सम अदर फ्लावर्स,
what will happen, these birds will transfer these pollen grains unintentionally to the stigma of flowers of other plants. So flowers are generally without fragrance. ये point बहुत important है, जिसमें हमें relationship कैसी establish हुई है और plant को भी समझता है, plant को भी brain है, invisible brain है, उसे भी समझता है. ये हमें इस point से पता चलेगा कि flowers are generally without fragrance as birds have poor sense of smell. बर्ड्स जो है इनमें सूंघने की शक्ति कम होती है. बर्ड्स हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल एंड फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रेग्रेंस. प्लांट्स को जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन बर्ड्स के जरिए होता है, उन प्लांट्स को ये पता है कि ये जो बर्ड्स है इन बर्ड्स में सूंघने की शक्ति कम है. दे हैव अ पुअर सेंस ऑफ स्मेल. पुअर सेंस ऑफ स्मेल होने के वजह से प्लांट ने अपनी एनर्जी बहुत अच्छी खुशबू फ्रैग्रेंस डेवलप करने में इन्वेस्ट नहीं की. प्लांट्स डिड नॉट इन्वेस्ट इट्स एनर्जी इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैग्रेंस, इन द डेवलपमेंट ऑफ गुड स्मेल. इट हैज इन्वेस्टेड इट्स एनर्जी इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्राइट कलर, मेकिंग द फ्लावर लार्ज एंड शोई. But it did not invest its energy in the development of fragrance, because plants itself knows that birds have a poor sense of smell. यानी plants को ये पता है कि ये जो birds है इनमें सूंघने की शक्ति कम है. इसके वजह से nectar develop करना तो ठीक है, but fragrance develop करने में energy waste करना ठीक नहीं. So the plants did not invest its energy in production of the fragrance. और ये कई हजारों लाखों साल के relationship के बाद में ये develop हुआ है. Now we will talk about pollination by bats. This is also called as chiropterophily. मतलब birds जैसे pollen grains को transfer करते हैं, उसी तरह से बैट्स चमगादड़ भी पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं. एंड ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स बाय द बैट्स इट इज कॉल्ड एज चिरोटेरोफाइली. एंड द प्लांट्स इन विच द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द एजेंसी ऑफ बैट्स, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज चिरोटेरोफिलस प्लांट्स. सो बैट्स कैन ट्रांसपोर्ट पोलन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, sometimes several kilometers. हमें already पता है bats are active during night. Night में active है, nocturnal है. तो ये जो bats के जरिए जिन plants में pollen grain का transfer होता है, pollination होता है, उन plants के flowers भी रात को खिलते हैं. Their flowers also develop, they open during night. Means those flowers are also nocturnal. They are also active during night, and bats are also active during night, and they have the capacity to transfer pollen grains, to transport pollen grains over long distances, sometimes several kilometers. So, for facilitating transport of the pollen grains from the flower to different plants' flower with the help of bats, दीज प्लांट्स हैव डेवलप्ड सर्टन एडाप्टेशंस. वो जो प्लांट्स है उन्होंने बैट्स के जरिए पोलन ग्रेन करने के लिए होने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, और उन मॉडिफिकेशंस को कहा गया है एडाप्टेशंस. उन चेंजेस को उनके फ्लावर्स में जो चेंजेस किए हैं उन्हें कहा गया है एडाप्टेशंस इन चिरोटेरोफिलस फ्लावर्स. Adaptations in Chiroterophilus flowers. So, what are those adaptations? वो adaptations कौन कौन से है? Number one, flowers are dull colored with strong fragrance. ये जो flowers है, they are dull colored. We know that flowers are dull colored because they open during night.
and bats are also active during night, so they do not require bright colored flowers. But ये जो flowers है इनमें strong fragrance होता है, rotten egg के जैसा fragrance होता है, extremely strong fragrance, fermenting fragrance इन flowers में से आता है. Actually ये fragrance bats को अच्छा लगता है, that is why bats are getting attracted towards this particular flower some, and they secrete abundant nectar, copious amount of nectar is secreted by the Cheiropterophilus flower some. क्योंकि bats को nectar की जरूरत होती है, strong fragrance के वजह से वो attract होते हैं flowers की ओर, and then they have the nectar which is present in that particular flower. Flowers produce large amount of edible pollen grains. ये भी बहुत important point है कि nectar के अलावा edible pollen grains, मतलब ये जो bats है they also have the pollen grains which are edible. वो pollen grains को भी खाते हैं, and in doing so those pollen grains will stick to different parts of the bats, and when these bats will visit to different flowers, different plants, definitely there will be transport of pollen grain, deposition of pollen grain on the stigma of those flowers. Example diya hua hai Anthocephalus, ye ise kadam tree bhi kehte hain. Dusra example hai Adansonia, ye jo Adansonia hai ise baobab tree bhi kehte hain. Aur third example diya hai Kijelia, is Kijelia ko sausage tree bhi kaha gaya hai. So Kijelia, Adansonia, Anthocephalus, these three are the examples of the Cheiropterophilus plants. In these plants the pollen grains are transferred from one plant to other plant with the help of bats. Thank you very much.